उदाहरण छः, चित्र में AD लंबवत है BC के, तो सिद्ध कीजिए कि AB वर्ग धन CD वर्ग बराबर BD वर्ग धन AC वर्ग है। बच्चों चलिए हम उदाहरण छः हल करते हैं। उदाहरण छः में एक त्रिभुज ABC की बात की जा रही है जिसमें A से BC पर लंब डाला गया है, तो हमको AD लंबवत मिल रहा है BC के, तो हम जो दी हुई जानकारी है उसको यहाँ पर लिख लें, त्रिभुज ABC में, ये समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, तो ऐसी स्थिति में हमें सिद्ध करना है कि AB वर्ग धन CD वर्ग, ये हमें सिद्ध करना है, AB वर्ग धन CD वर्ग बराबर BD वर्ग धन AC वर्ग। ध्यान से देख लीजिए आप, AB वर्ग धन CD वर्ग बराबर BD वर्ग धन AC वर्ग। अब इसको आप चित्र में देखिए, चित्र में आपको पता चलेगा कि AB का वर्ग धन इस छोटे वाले टुकड़े CD का वर्ग बराबर है BD के वर्ग, माने इसका जो काउंटर पार्ट है, दूसरा हिस्सा है ये BD का वर्ग धन AC का वर्ग, इसे हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। जो सूचनाएं हमें दी हुई हैं उसके आधार पर आप देखिए कि AD चूँकि BC पर लंब है, तो हमको दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ADB, तो हम लिखें इसे त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, पहले हम इस छोटे वाले त्रिभुज को लें, इसे हम कहेंगे ACD, समकोण त्रिभुज ACD में, चूंकि कोण D समकोण है तो AC उसका विकर्ण होगा, और हम लिख सकते हैं कि AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन CD का वर्ग, ये हम समकोण त्रिभुज ACD की भुजाओं के बारे में लिख सकते हैं कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये समकोण के सामने की भुजा AC विकर्ण है, तो AC का वर्ग AD के वर्ग और CD के वर्ग के बराबर होगा, ये हमारा कथन एक है, इसे हम कथन एक लिखें। वैसे ही इस त्रिभुज में देखिए, ये भी समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज का नाम है ADB, तो हम लिखें समकोण त्रिभुज ADB में, यहाँ पर भी वही बात आपको मिलेगी, ये समकोण हो तो ये विकर्ण होगा, तो आप लिख सकते हैं कि AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग, इसे आप कथन दो लिखिए। और आप देखिए यहाँ पर जो आपको मिल रहा है वो AB वर्ग एक तरफ है और BD वर्ग दूसरी तरफ है, तो और AC वर्ग भी दूसरी तरफ है, तो ये चीज़ हमको तब मिलेगी जब आप कथन दो में कथन एक को घटाएं, तो हमें बाद में पक्षांतर करने में एक पद कम हल करना पड़ेगा, AB वर्ग में से हम AC वर्ग को घटाएं तो हमको मिलेगा AB वर्ग ऋण AC वर्ग बराबर, हम इस पूरे पद को लिख लें, AD वर्ग धन BD वर्ग ऋण, इन दोनों पदों को लिखें AD वर्ग ऋण CD वर्ग। अब आप देखिए AD वर्ग धन AD वर्ग है और ऋण AD वर्ग है, ये दोनों कैंसिल हो गए, अब आपके पास बचता है BD का वर्ग ऋण CD का वर्ग, इस CD के वर्ग का पक्षांतर आप इस तरफ कर दें और इस ऋण AC वर्ग का पक्षांतर उधर कर दें, तो हमको क्या मिलता है, देखिए यहाँ हमको मिलेगा AB का वर्ग ऋण CD वर्ग को यहाँ पर लेके आए, तो ये हो जाएगा धन CD का वर्ग बराबर, यहाँ पर देखिए क्या है, BD का वर्ग आपके पास है, और यहाँ से ऋण AC का वर्ग दाहिनी तरफ लेके जाएं तो धन AC का वर्ग हो जाता है। अब आप देखिए AB वर्ग धन CD वर्ग, AB वर्ग धन CD वर्ग यहाँ बाएं पक्ष में है, बराबर BD का वर्ग धन AC का वर्ग, बराबर BD का वर्ग धन AC का वर्ग, यही आपको सिद्ध करना था कि इस त्रिभुज में जो त्रिभुज ABC है उसमें आपने A से BC पर लंब AD डाला, तो उस स्थिति में AB का वर्ग धन CD का वर्ग बराबर होता है AC के वर्ग
धन बी डी के वर्ग के। तो ये सिद्ध हुआ जो आप सिद्ध करना चाह रहे थे, और देखिए कितना आसान है, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं।